हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेटिंग ऑल। और जैसा कि जेई मेंस का रिजल्ट आप लोगों का आने ही वाला है, बस कल आ सकता है परसों प्रोबेबली। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो बनती है वो ये बनती है कि जोसा की काउंसलिंग के बारे में बच्चों को नहीं पता है। तो यहाँ मैं जोसा 2019 की काउंसलिंग के बारे में यहाँ बताऊँगा, क्योंकि आप जेई मेंस में स्कोर ले आओ, चलो जो भी स्कोर आपका आ गया है, लेकिन उसके बाद इम्पोर्टेंस जो बैठता है वो जोसा की काउंसलिंग हो या फिर कभी कभी, या फिर अब तो मोस्टली हर ईयर निकलती है और लास्ट ईयर तो दो बार भी निकल गई थी, सीसैब की जो काउंसलिंग होती है वो ही आपके कॉलेज की जो सीट्स होती हैं उस पर, आपकी जो कौन सा कॉलेज मिलना, कौन सी ब्रांच मिलनी है उसी पर निर्भर करती है मेन। तो एक कम परसेंटाइल वाला बच्चा भी एक अच्छी कॉलेज ले सकता है, अच्छी ब्रांच भी ले सकता है, ब्रांच तो नहीं कहूँगा लेकिन कॉलेज तो ले ही सकता है अच्छा, अगर वो जो सारी काउंसलिंग अच्छे से करता है। तो मेन चीज़ इसी पे निर्भर करती है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, पूरी काउंसलिंग वगैरह कैसे प्रोसेस होता है जोसा का समझाऊंगा, फिर सीसैब का, तो पूरा समझने के लिए कैसे आपको क्या करना है, कब रजिस्ट्रेशन करना है, पूरा प्रोसेस समझाऊंगा, कैसे आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और जो कुछ मिस्टेक्स जनरली बच्चे कर देते हैं जिसकी वजह से अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता, अच्छा NIT या IIIT या GFTI या SFTI वगैरह नहीं मिल पाता, तो वो मिस्टेक आप ना करें, उसके लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, यही मैं कहूँगा। अगर वीडियो को जो लास्ट तक नहीं देखेंगे देख कर काट देंगे, फिर उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा इस वीडियो से। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले जोसा का जो 2019 काउंसलिंग उसके बारे में बताऊंगा। देखो क्या होता है, 23rd जो आपके IITs हैं, IITs का तो इससे नहीं होता, जोसा काउंसलिंग का, उसके लिए आपको एडवांस देना पड़ता है, तो उसका प्रोसेस नहीं बताता, चलो NIT IIIT और GFTI का बता देता हूँ। NIT 31st और आपके 23rd GFTI और आपके 23rd IIIT जो हैं, तो इन तीनों के आपको, और SFTI वगैरह भी हैं लेकिन मैं इन तीनों की जनरली बात कर लेता हूँ, आप अपने हिसाब से फिर देख लेना। तो इनकी जो काउंसलिंग होती है, इनका जो ये आपको जो मिलते हैं कॉलेज में एडमिशन जो होता है, वो जोसा की काउंसलिंग के थ्रू होता है। अब होता क्या है, 2019 का आपको बताता हूँ क्या होगा। सेकेंड वीक जो होगा जून का, आपका सेकेंड वीक ऑफ जून जो होगा उसमें आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकलेंगे, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। देखो अब मैं पूरा प्रोसेस बताता हूँ आपको क्या करना है। जो आपके सेकेंड वीक प्रोबेबली जो होगा जून का, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है जोसा की वेबसाइट पर जाके। कैसे करना है, जो भी आपको NTA का यानी जेई मेंस का स्कोर कार्ड जो मिलेगा परसेंटाइल का, वो रजिस्ट्रेशन नंबर और उस पासवर्ड से जो आपको आपको पता होगा जेई मेंस का, उसी से आपको जोसा की वेबसाइट पर जाके आपको लॉगिन करना है, यानी कि रजिस्ट्रेशन करना है। वो मैं जब ये नोटिफिकेशन आ जाएगी और जोसा की वेबसाइट खुल जाएगी, यानी कि रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो जाएंगे, तो मैं एक वीडियो निकाल दूंगा, उस वीडियो में मैं पूरा बता दूंगा कैसे कैसे क्या करना है। तो अभी के लिए इतना समझ लीजिए, सेकंड वीक ऑफ जून जो होगा उसमें आपको जोसा की वेबसाइट पे जाना है, उसी में जोसा की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। उसके बाद क्या होता है, सेकेंड वीक उसके बाद जो जोसा होता है ना, मतलब जोसा की जो वेबसाइट है, ये जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो क्या करते हैं, राउंड्स निकालते हैं। तो फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, 7 राउंड्स निकलते हैं, लास्ट ईयर भी 7 निकले थे, ऐसे ही आपको 7 राउंड्स निकलते हैं। लेकिन क्या करते हैं, शुरू में 2 मॉक राउंड्स निकालते हैं जिससे आप समझ जाते हैं कि ये कॉलेज आपको मिलेगा या नहीं, लेकिन वो कुछ ऐसे एज सच करेक्ट नहीं होते, क्योंकि वो चेंज भी हो जाता है। अगर ऐसा हो गया कि मॉक राउंड में वो आपको दिखा रहा है कॉलेज नहीं मिलेगा, लेकिन वो आपको मिल भी जाता है, उसका एक तो कारण ये होता है ये 7 राउंड तक जाता है, ऊपर से वो एक वर्चुअली एक एस्टीमेट सा दिखाता है बस, और कुछ नहीं होता, क्योंकि जब तक सारे स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन नहीं हुए होते हैं तो उससे सही से पता नहीं चलता। तो देखो क्या होगा, मैं पूरा सिस्टम बता देता हूँ, साल जो होगा सेकेंड वीक ऑफ जून में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, तो मैंने आपको बता ही दिया सेकेंड वीक ऑफ जून में स्टार्ट होंगे। उसके बाद जो राउंड फर्स्ट होगा मॉक राउंड होगा, एक ओनली प्रैक्टिस के लिए होता है, आप ऐसे समझ सकते हैं प्रैक्टिस मैच होता है ऐसे है, बस इससे आपको कॉलेज मिलेगा ना मिलेगा उसका कोई लेना देना नहीं है। तो जो मॉक वन जो होगा आपका, वो होगा 3rd वीक ऑफ जून में, ये रजिस्ट्रेशन चल ही रहा है, इसमें ऐसा कुछ ऐसा सच ऑफिशियल वो नहीं है, ये आपको ओनली एस्टीमेट दिखाता है आपको कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। फिर 3rd वीक ऑफ जून में ही आपका मॉक राउंड 2 भी होगा, यानी मॉक राउंड 2 में वो आपको राउंड 1 में दिखा देगा, राउंड 2 में दिखाएगा कि ये कॉलेज आपको मिल सकता नहीं मिल सकता, लेकिन वो बिल्कुल करेक्ट नहीं होता, ये नहीं कहा जा सकता कि जो उसमें आ रहा वही सही है, ऐसा नहीं होता, बच्चों को कॉलेज चेंज मिल जाते हैं, मिल भी जाते हैं जो उसमें नहीं दिखा रहा, तो ऐसा उस पर बिल्कुल मत जाना, आपको ट्रू वही होता है जो लास्ट में राउंड जो आते हैं। तो 3rd वीक ऑफ जून में ही आपका मॉक 2 भी होगा, तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि आपको कैसे कैसे क्या होना। उसके बाद जो 4th वीक ऑफ जून जो होगा उसमें आपका राउंड 1 होगा, ये रियल राउंड चल रहा है, यहाँ आपको कॉलेज मिलेंगे, यानी कि यही डिसाइड करेगा आप कौन से कॉलेज, राउंड 1 होगा 4th वीक ऑफ जून में। तो 4th वीक ऑफ जून में यहाँ आपकी जून ख़त्म हो जाएगी इतने में, फिर 1st वीक ऑफ जुलाई जो होगा उसमें आपका सेकेंड राउंड भी हो जाएगा, उसमें आपका सेकेंड राउंड हो जाएगा, और
उसके बाद ये भी ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जो आपके थर्ड फोर्थ फिफ्थ राउंड है वो आपके सेकंड वीक ऑफ जुलाई में हो जाएंगे, सेकंड वीक ऑफ जुलाई में हो जाएंगे आपके, यानी कि 3, 4, 5, 6 जो राउंड है आपके। और फिर जो आपका लास्ट 7 राउंड जो होगा प्रोबेबली वो थर्ड वीक ऑफ जुलाई में होगा आपका। आपके रजिस्ट्रेशन बंद हो चुके होंगे इतने उसमें, प्रोबेबली थर्ड वीक ऑफ जून में आपके रजिस्ट्रेशन सेकेंड वीक में स्टार्ट होंगे, थर्ड वीक में ख़त्म हो जाएंगे, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाएगा और वेबसाइट बंद हो जाएगी। मतलब वेबसाइट तो चालू रहेगी लेकिन रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो सेकेंड वीक में जून में शुरू होंगे, थर्ड वीक में बंद हो जाएंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। और जुलाई तक ये प्रोसीजर चलेगा, थर्ड वीक ऑफ जुलाई तक आपके जो राउंड्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, 7 राउंड्स होते हैं, थर्ड वीक ऑफ जुलाई तक ये कंप्लीट हो जाएंगे। और इसके बाद जो होगा एक तो इसमें मैं ये बता दूं आपको 3 ऑप्शन देता है, वो ऑप्शन आपको कैसे अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग चूज़ करने आप देख लेना। देखो क्या होता है, एक ऑप्शन होता है आपका फ्लोटिंग, एक ऑप्शन फ्लोटिंग होता है। मैं फ्लोटिंग बता देता हूँ मतलब क्या होता है। फ्लोटिंग मतलब जो होता है आपका, जैसा कि आपको कोई कॉलेज मिल गया, तो अगर मानो आपको आपने बहुत सारे कॉलेज डाले, यहाँ पे मैं यही बताऊँगा आपको क्या बात ध्यान रखनी है, जो मिस्टेक होती है जिसकी वजह से आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता। जैसे आपको आपने बहुत सारे कॉलेज डाले आपने पहले पे, जिसकी कम परसेंटाइल भी आई है, मैं उसे यही कहूँगा कि वो भी एक अच्छा कॉलेज डाले जिससे कि उसे फ़ायदा हो। जैसे कैसे मैं बताता हूँ, जैसा कि आपकी आई थी 90 परसेंटाइल, आपने पहले पे ही NIT वारंगल डाल दिया, आपको NIT वारंगल मिल गया, उसके बाद आपने NIT त्रुचि डाला, ऐसे 8-10 कॉलेज डाल दिए, तो उसमें क्या होता है आपको NIT वारंगल तो मिल गया लेकिन उसके बाद मेरिट नीचे नहीं गिर जाती, उसके राउंड में आपको नीचे के राउंड नहीं होंगे आपके, आपको NIT वारंगल में सीट मिल जाएगी और वही कॉलेज आपका हो गया। लेकिन हो सकता है आपको NIT त्रुचि भी मिल जाती, तो ये मिस्टेक ना करना, इस मिस्टेक से बच्चों को कॉलेज नहीं मिल पाता। मैं होप करता हूँ आपकी बात समझ में आ रही होगी, दोबारा बता देता हूँ। जैसा कि आपको कॉलेज डालने हैं कॉलेज, तो बच्चे क्या करते हैं, शुरू में थोड़ा बेकार डाल दिया, शुरू में आप अच्छे अच्छे डालिए, आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में आइए, टॉप कॉलेज, फिर उससे थोड़ा वैसा, उससे नीचे, उससे नीचे, ऐसे आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलना है, जिस उससे ही आपका फ़ायदा होगा। क्योंकि आप समझ रहे होंगे अगर आप पहले ही थोड़ा बेकार कॉलेज डाल देंगे वही मिल जाएगा, हो सके आपको अच्छा कॉलेज मिल जाता प्रोबेबली, तो ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना, ये मिस्टेक जनरली हो जाती है और इससे आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर मैं बता रहा था आपको फ्लोटिंग क्या होता है, आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। पहला होता है फ्लोटिंग, फ्लोटिंग में क्या होता है, अगर आपको एक राउंड में कोई सा कॉलेज मिल गया तो वो आपको चेंज भी हो सकता है, अगर आपको अगले राउंड में कोई और कॉलेज मिल रहा होता, लेकिन उसके लिए एक्स्ट्रा फीस होती है, शायद 35,000 है वो प्रोबेबली फीस होती है, तो वो आपको पे करनी होती है, तो इसलिए ऐसा ना करें, ध्यान रखें इन बातों का। एक ऑप्शन होता है आपका फ्रीजिंग, फ्रीजिंग में आपको कुछ नहीं होता, जो कॉलेज मिल गया वही होता है, इसमें आपका चेंज नहीं होता, फ्रीजिंग ऑप्शन ये होता है। नेक्स्ट आपका थर्ड ऑप्शन लास्ट जो होता है वो होता है स्लाइडिंग, स्लाइडिंग में क्या होता है आपकी ब्रांच चेंज हो जाती है, अगर आपको मान लो ECE मिली तो CSE मिल जाएगी, ऐसा कुछ हो जाता है अगर सीट खाली है तो ये स्लाइडिंग। तो 3 ऑप्शन आप समझ गए होंगे, फ्लोटिंग, फ्रीजिंग और स्लाइडिंग, आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी ले लेना, और मिस्टेक वो मत करना जो मैंने आपको बताई है, टॉप का कॉलेज रखना ऊपर, चाहे आपकी बेशक परसेंटाइल कम आई, क्योंकि होम स्टेट कोटा वगैरह से NIT में, IIIT GFTI में तो नहीं होता, होम स्टेट कोटा NITs में होता, तो आपको उससे उस कोटे से भी और बाकी बहुत चीज़ें होती हैं, और आपको कुछ पता नहीं कब कितनी रैंक पर आपको क्या मिल जाएगी, कुछ श्योरिटी नहीं है, तो इसलिए ऊपर टॉप का कॉलेज रखना, अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, वो तो अगले राउंड में आपको अगले आगे कॉलेज मिल जाएंगे, मिल रहे होंगे तो। और ये कहूँगा आपकी 50,000 से रैंक कम है तो बहुत ज़्यादा अच्छा NIT नहीं मिलेगा, मिले मुश्किल है, होम स्टेट कोटा वगैरह से हैं तो मिल जाएगा। देखिए यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ अदर स्टेट की, और अदर स्टेट में जनरल, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है 50,000 रैंक से, नहीं तो 1.5 लाख तक भी मिल जाते हैं, वो बात जो निर्भर करती है होम स्टेट और आपकी कैटेगरी वगैरह पे भी करती है, और फिर आप जो वो करने जा रहे हैं, जिस कॉलेज में जा रहे हैं उसमें, उस ब्रांच में कितने बच्चे स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं, वो ब्रांच में सीट खाली है नहीं, उस पर भी निर्भर करता है। उसके लिए CSAB जो काउंसलिंग होती है वो बहुत निर्भर करती है, तो उसके बारे में मैं अभी बताऊंगा। तो पहले आपको इसका प्रोसीजर मैंने बताया, JOSAA काउंसलिंग आप समझ गए होंगे, इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी आपको जमा करने होते हैं। जैसा कि एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, अब मानो आपका सेकंड राउंड में फिक्स हो गया कि आपको NIT वारंगल मिल गया, अब आपको NIT वारंगल जो मिला 2 दिन के अंदर ही जब रजिस्ट्रेशन स्टॉप हो जाते हैं, जैसा कि राउंड बंद होगा, तो उस 2 दिन के अंदर ही आपको वहाँ जाना होता है उस इंस्टीट्यूट पे, वहाँ जाके आपको फीस पे वगैरह करनी होती है और डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले जाने होते हैं, तो फोटोग्राफ्स और 10th 12th की मार्कशीट वगैरह, और अगर आपको होम स्टेट कोटा तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह ये सब ले जाने होते हैं आपको, इसी से आपको पूरा रजिस्ट्रेशन होता है। JOSAA में क्या होता है, आपका जो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो गया वो खाली एक रजिस्ट्रेशन होता है, एडमिशन आपको वहाँ जाके कराना होगा इंस्टीट्यूट पे जाके,
और आपको कोई सा पास का एनआईटी पकड़ा देंगे, जरूरी नहीं उसी कॉलेज में आपको रिपोर्टिंग हो, आरसी कहते हैं उसे, रिपोर्टिंग सेंटर, तो वहाँ जाके आपकी रिपोर्टिंग होती है, एडमिशन होता है। तो होप ये आप समझ गए होंगे। अब हम बात करें सीसैब, सीसैब बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन बच्चों की परसेंटाइल बहुत ज़्यादा नहीं आती, जिन्हें अच्छा कॉलेज नहीं मिलता, उन्हें अच्छा कॉलेज दिलवाने के लिए सीसैब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी बात करते हैं, देखो सीसैब में क्या होता है, सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड। पहली बात तो ये सुन लीजिए, इसका हर साल नहीं निकलती है, हर साल इसकी काउंसलिंग नहीं होती, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अब हर ईयर हो ही रही है। क्योंकि इसमें क्या होता है, मानो आपको कोई सा कॉलेज लेना था एनआईटी वारंगल, वो आपको नहीं मिल पाया, तो ये सीसैब जी काउंसलिंग जो होती है ये आपको वो कॉलेज दिला देती है। वो कैसे दिलाती है मैं बताऊँ, 2018 लास्ट ईयर जो, उसमें तो दो बार इसकी काउंसलिंग हो गई थी। अब मानो एनआईटी वारंगल, उसमें सीएससी की सीट सारी फिल हो गई और ईसीई की हो गई। अब आपकी जो ब्रांचेज हैं, जैसे कि सिविल हो गई और आपकी मेटलर्जी वगैरह, केमिकल इंजीनियरिंग वगैरह हो गई, उनकी आपकी सीट्स खाली रह गई, फिल नहीं हो पाई। तो ऐसे में क्या होगा, उनकी सीट जो खाली रह जाती है, फिर सीसैब अपनी, सीसैब जो है वो काउंसलिंग निकालता है। इसकी काउंसलिंग दो बार भी निकल सकती है, एक बार भी निकलती है। तो जब इसकी जो काउंसलिंग निकलेगी वो ऐसे बच्चों के लिए होती है, इनकी परसेंटाइल बहुत ज़्यादा नहीं आई होती, वो इजीली इसमें ले सकते हैं। तो इसमें फिल करके देखो, जिन बच्चों को ब्रांचेज का मेन मोटो है कि हमें यही ब्रांच चाहिए, तो उनके लिए तो सीसैब की नहीं हुई, सीसैब की काउंसलिंग अच्छी नहीं है, क्योंकि इसमें आपको ब्रांच का कुछ नहीं पता, आपको कोई सी भी ब्रांच कभी भी मिल सकती है, तो इसमें ब्रांच की कुछ श्योरिटी नहीं है। लेकिन जिन्होंने सोच रखा है कि हाँ हमें कॉलेज ये मिल जाए, ब्रांच कोई सी वो चलेगा, तो सीसैब की काउंसलिंग बहुत अच्छी है। इसमें आपको मेटलर्जी, केमिकल इंजीनियरिंग वगैरह, ये जो ब्रांचेज होती हैं, मोस्टली हर ईयर इनमें सीट खाली रह जाती है और आपको सीट मिल सकती है अच्छे कॉलेज में भी, एनआईटीज वगैरह में भी। और ऐसा एनआईटी वो जो है अगरतला वगैरह, ऐसे कॉलेज जो बहुत ज़्यादा अच्छे एनआईटीज नहीं हैं, इनमें तो 2 लाख तक भी रैंक तक मिल जाते हैं ऐसी ब्रांचेज में सीसैब की काउंसलिंग के थ्रू। तो आपको सीसैब के जो रजिस्ट्रेशन आते हैं वो हर साल नहीं आते, लेकिन जब आएंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा, तो उसको ज़रूर देख लेना, और सारा एडमिशन प्रोसेस वगैरह उसी में बता दूंगा। इसमें थोड़ा अलग होता है सीसैब में, इसमें ऐसा होगा जब फॉर्म निकलते हैं आपने रजिस्ट्रेशन करा, उसके 2 दिन के अंदर ही आपको उस कॉलेज में जाना होगा, नहीं तो फिर आपको नहीं हो पाता। और 35,000 फीस होती है शायद इसकी, जो आपको पे करनी होगी, वो रिफंड हो जाती है अगर आपका एडमिशन नहीं होता है। तो होप करता हूँ आपके जोसा काउंसलिंग और सीसैब काउंसलिंग के बारे में आपको सब समझ में आया होगा। अगर अब भी कोई डाउट रह गया तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं आगे वीडियो में कवर कर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। और ये कोई भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर कर दें, जैसे किसी भी कॉलेज वगैरह का रिव्यू, VIT NIT वगैरह, और मैंने कुछ कॉलेज के बना भी रखे हैं, देख लेना। और वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।